Yeah. ओके सो फ्रेंड्स, हाय। आज दोस्तों हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि आप कैसे कोई भी जो फ्लैट स्क्रीन टीवी होता है, हमारा एलईडी एलसीडी टीवी होता है, उसको आप कैसे डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंटेक्स 1602 टीवी है, ये मिनी टीवी है। इसका स्क्रीन लगभग एक मॉनिटर जितना बड़ा रहता है पीसी के, 15 इंच समथिंग का रहता है। तो दोस्तों, हम इसको डिसअसेंबल करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये दिखाने वाले हैं कि कैसे इसको आप डिसअसेंबल कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको तीन टूल्स लगेंगे। आपको दोस्तों कैसा स्क्रू ड्राइवर लगेगा, माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर है दोस्तों, और ये ऐसा कोई भी स्क्रू ड्राइवर का सेट लगेगा। ये मेरे पास ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर है, और आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं प्लस वाला। तो अब दोस्तों देखते हैं कैसे इसको डिसअसेंबल करना है। सबसे पहले जो हम इसका बॉटम पार्ट है उसको निकाल लेंगे। उसके लिए दोस्तों हम इसमें एक बीट लगा लेंगे प्लस वाली। दोस्तों ये रहा इसका बॉटम, सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे बाहर। दोस्तों हमारा बॉटम निकल गया, इसके स्क्रू और इस क्लैंप को इसी में रहने देंगे, इसको साइड में रख देते हैं। और जैसे इसका बॉटम पार्ट निकल गया है नीचे का, तो अब दोस्तों हम इसको उल्टा रख लेंगे। बस कभी भी जब भी स्क्रीन के बाद अगर आप रखने वाले हो तो नीचे देख रहे कुछ भी हार्मफुल चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने उल्टा रख लिया है, फटाफट सारे स्क्रूज निकाल लेते हैं इसका। एक तरफ जमाते जाएंगे स्क्रूज ताकि मिसप्लेस ना हो। दोस्तों ये इधर के जो दो स्क्रू है ये काफ़ी नीचे है, तो इसको हम स्क्रू ड्राइवर से निकाल लेंगे। दोस्तों कुछ स्क्रूज ये बच गए हैं यहाँ पे तीन, इनको भी हम निकाल लेते हैं। दोस्तों जितने भी आपको स्क्रूज बाहर दिख रहे हो सबको निकालना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्क्रू अगर लगा रह जाएगा तो ये टीवी में कुछ भी हार्म हो सकता है, टूट सकती है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, स्क्रीन टूट सकता है। तो दोस्तों मैंने सब चेक कर लिया अच्छे से, मेरे हिसाब से सारे स्क्रूज निकल चुके हैं। तो हम ईजिली अब इसकी जो बेजल है उसको हम निकाल सकते हैं। दोस्तों बेजल का मतलब होता है इसकी जो ये बाउंड्री होती है। दोस्तों हर टीवी में थोड़ा थोड़ा अलग होता है इसको डिसअसेंबल करने का तरीका। तो इस टीवी में करेंटली जो बेजल होती है वो पहले निकलती है और उसके बाद में स्क्रीन हट जाता है इसका। तो दोस्तों हम वही आपको करके दिखाने वाले हैं। अब दोस्तों हम बेजल इस कोने से निकालेंगे, मैंने थोड़ी सी उठा ली है दोस्तों, अपने उंगली से हल्के हल्के इसको खोल लूँगा। जो भी दोस्तों आपको पोजीशन बेटर लग रही है आप इसमें कर सकते हैं। और दोस्तों बिल्कुल भी उन चीज़ों पर जोर ना लगाए, बहुत ही हल्के हाथ से करना है, ये ईजीली खुल जाती है, कोई भी ताकत लगाने वाली चीज़ें नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ में ताकत लगाएंगे हो सकता है आपका स्क्रीन ब्रेक हो जाए उससे। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया, जो भी आपको पोजीशन टीवी की सही लग रही हो, सेफ पोजीशन, उसी में काम करें, बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया इस
इससे कोई भी नुकसान हो सकता है। तो हमको बहुत ही धीरे धीरे और प्यार से करना है बिल्कुल। जो दोस्तों प्लास्टिक है इसमें बहुत छोटे छोटे लॉक लगे रहते हैं, वो बिल्कुल भी जरा सा बस करने पे खुल जाते हैं। ये दोस्तों हमारी बेजल अलग हुई है, इसको हम साइड में रखेंगे। और दोस्तों ये हमारी स्क्रीन भी बाहर निकल चुकी है। हम स्क्रीन को हमेशा इस टाइप की जो भी क्लैंप दी है उससे हमेशा उठाना चाहिए और सब तरफ से पकड़ना चाहिए ताकि किसी लोकेशन पे लोड ना पड़े। और दोस्तों ये हमारा टीवी डिसअसेंबल हो चुका है। सो दोस्तों ये हमने अलग स्क्रीन रख दिया है, इस पार्ट को बिल्कुल नहीं टच करेंगे। जैसे कि इस पर लिखा भी है डू नॉट टच। यहाँ पे इसका जो स्केलर पीसीबी रहता है वो लगा रहता है, स्केल पीसीबी, मतलब ये जो भी सब पीसीबी बोल रहे आप डिस्प्ले का, बहुत ही नाजुक रहता है। उसमें सेंसर और पूरे कॉफ से लेकर रिबन सब चीज़ें लगी रहती है। तो दोस्तों ये इसका अंदर का पूरा बोर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका मेन लॉजिक बोर्ड है, फिर ये इसका सब एलसीडी बोर्ड है, फिर ये मेन इसका पावर बोर्ड है। उसके बाद में जैसे कि आपको मालूम है यहाँ डिस्प्ले में यहाँ नीचे डू नॉट टच दिया हुआ है, वहाँ पे इसका स्केलर पीसीबी लगा हुआ है जिसमें कॉफ वगैरह जुड़ी रहती है डिस्प्ले की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। सो ये था दोस्तों इंटेक्स एलईडी 1602 का डिसअसेंबली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको रीअसेंबल इसको वापस करना हो तो जो हमने स्टेप्स फॉलो किए उसी के अपोजिट काउंटर स्टेप्स फॉलो करने हैं तो ये वापस रीअसेंबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस शॉर्ट ऑफ अमेजिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।